जो नफिल दो रकत पढ़ी जाती है क्या तहज्जुद क्या बैठकर पढ़े या खड़े? वितर के बाद जो दो नवाफिल है ना, जो सही तहकीकी बात है, ये नवाफिल वितर से पहले पढ़ लेने चाहिए। हदीस में आता है इजालू आखिरा सलातिकुम वितरा, वितर को अपनी आखिरी नमाज बनाओ। तो दो नफिल अगर आपने वितर के बाद पढ़ने ही हैं तो वो कब पढ़ लें? पहले पढ़ लें, बाकी नाजायज नहीं है। अगर कोई वितर के बाद भी नमाज पढ़ना चाहे तो शरीयत में कोई पाबंदी नहीं। तो रमजान में हम वितर तरावी के फौरन बाद पढ़ लेते हैं, इसलिए कि ये सहाबा इकराम ने ऐसा ही किया है और उसकी लॉजिक ये थी कि वितर है ज्यादा जरूरी वाजिब है और तरावी की अहमियत वितर से कम है। तो जब तरावी को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि जमात से पढ़ रहे हैं और वितर को जमात से ना पढ़ना, तो इसका मतलब क्या है? वितर की अहमियत आपने तरावी से कम कर दी। तो इसलिए रमजान में वितर जमात से पढ़े जाते हैं, बाकी फिर उसके बाद आप रात को तहज्जुद अलग से पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने इस मजबूरी से वितर पहले पढ़े। लेकिन आम हालात में जिन लोगों को तहज्जुद की आदत है तो वो क्या करेंगे? वितर को मुअख्खर करें और तहज्जुद की नमाज के बाद बिल्कुल आखिर में पढ़ें। लेकिन ये उसके लिए है जिसको यकीन हो उठने का, जिसको उठने का यकीन नहीं है वो वितर पढ़ के सो जाए और फिर अगर आंख खुले तो तहज्जुद पढ़ ले, नहीं तो नहीं। तो ये इस तरह से करना, बैठ के नहीं, ये खड़े होकर ही पढ़नी चाहिए दो नफिल, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बैठ के नमाज पढ़ी है तो थकावट में आपने पढ़ी है, क्योंकि आप बहुत लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे, थक जाते थे। तो अगर कोई थकावट में पढ़ रहा है तो बैठ के भी पढ़ सकता है, बैठ के तरावी भी पढ़ी जा सकती है, सवाब आधा हो जाएगा। क्या ख्याल है? अब कैसा ना हो कि कल से सब लेटे हुए हो यहां पर, यार बैठ के आधा होगा तो लेट के पौना होगा, क्या ख्याल है? तो प्रॉपर तरीके से पढ़ लें तो ज्यादा अच्छी।